और चलिए बात करते हैं पानी के प्रहार की। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों को शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। मुंबई के वडाला में सड़कें लबालब हैं और लोग जलजमाव के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। आपको तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं, आर्थिक राजधानी किस तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हालांकि अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है पूरे मुंबई में, लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग शहर से तस्वीरें आ रही है, जो शहर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के वडाला की तस्वीरें देखिए, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क हो, घर हो, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। खासकर निचले इलाकों में बेहद दिक्कतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि राशन पानी कुछ नहीं मिल पा रहा, रोजमर्रा का सामान नहीं मिल पा रहा, दुकानें पूरी तरीके से बंद है, रेलवे पटरियां जो है वो ठप पड़ चुकी हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि मुंबई का हर साल की तस्वीर कुछ एक ही जैसी है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मॉनसून की बारिश से बुरा हाल है। लगातार बारिश की वजह से सड़कें लबालब हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त। तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई की अंधेरी की। यहां भारी बारिश के बाद सड़क से लेकर सबवे में पानी भर गया, जिसकी वजह से फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने अंधेरी सबवे को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, सड़क पर सैलाब की वजह से वाहनों की रफ्तारों पर ब्रेक लग चुका है। ये तस्वीरें अंधेरी सबवे की आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर बार ये बात बीएमसी की तरफ से कही जाती है कि मॉनसून के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तैयारी देखिए जो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और इस बार भी मुंबई में बीएमसी की तरफ से कहा गया कि हम तो तैयार है, लेकिन अंधेरी सबवे की तस्वीरें देखिए, एक गाड़ी जो है अंधेरी सबवे से निकलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गाड़ी बंद होने का खतरा सबसे ज्यादा बन जाता है और लोगों की जान किस तरीके से जोखिम में पड़ सकती है। तो भारी बारिश के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में जल तांडव का माहौल लगातार जारी है। आम लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। कहीं जगह पर भारी बारिश से जलजमाव है तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से आम लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत का प्रकोप, बादल, विस्फोट, आसमानी आफत से शहर शहर कहर, बारिश की रफ्तार, पहाड़ी राज्यों पर प्रहार, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत मुसीबत बनी हुई है। और इस मुसीबत के बीच जो लोग जोखिम उठाने की गलती कर रहे हैं, वो उससे भी बड़ी आफत को कैसे बैठे बिठाए दावत दे रहे हैं, अब उसकी तस्वीर देखिए। सैलाब अपनी रफ्तार से बह रहा है और इस सैलाब के बीच इंसानी जिंदगी अपनी जिद की वजह से आफत में फंस गई। सामने सैलाब शोर मचा रहा था, बावजूद इसके एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल लेकर इन उफनती लहरों में उतर गया और इसका नतीजा आपके सामने है। चार चार लोग इस बाइक को लहरों से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैलाब के आगे किसी का जोर नहीं चल रहा। काफी देर तक ये चार लोग बाइक को बचाने के लिए लहरों से जूझते रहे। बाद में कुछ और लोग मदद के लिए आए, तब जाकर इस आदमी की बाइक सैलाब से बाहर आ पाई। मॉनसून की शुरुआत होते ही पहाड़ पर भी कुदरत का कहर टूट पड़ा है। भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने की भयावह तस्वीर सामने आई है। अचानक हुई बारिश से तेज बहाव के साथ पानी सड़कों और घरों में घुस गया और कई घर तबाह हो गए। कुदरत की इस मार से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ के साथ मैदान पर भी आसमानी आफत जारी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में अगले चार दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी है। वहीं गोवा में 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के साइन इलाके में पानी भर गया, दुकानों से लेकर घरों में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं नवी मुंबई में भी भारी बारिश की वजह से बस और ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। तो
मुंबई की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात में भी भारी बारिश के चलते सरस्वती नदी उफान पर है, जिसके साए में इस वक्त गुजरात का गिर सोमनाथ आ चुका है। ये तस्वीरें गिर सोमनाथ के प्रसिद्ध माधव राय मंदिर के आपको दिखा रहे हैं, जिसका परिसर इस वक्त सरस्वती नदी के पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। तीन तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के वडाला की तस्वीर, साथ ही केरल के कन्नूर की तस्वीर, और निचले इलाकों में जो जलभराव हुआ है वो पोरबंदर की तस्वीर गुजरात की, जहां पर लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। स्कूल कॉलेज घर सब कुछ डूब चुके हैं और अब एनडीआरएफ जो है उसने मोर्चा संभाला हुआ है। और अब आपको सोमनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर सोमनाथ का परिसर जो है वो किस तरीके से डूब चुका है गुजरात में भारी बारिश के चलते, क्योंकि सरस्वती नदी उफान पर है और उस वजह से गुजरात का गिर सोमनाथ आ चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें गिर सोमनाथ के प्रसिद्ध माधव राय मंदिर की है, जिसका परिसर इस वक्त पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए रोज पहुंचते थे, लेकिन आज देखिए ये पूरा परिसर जो है पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से बंद किया गया। और गुजरात के सूत्रापाड़ा और कोडिनार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर है और हाईवे के पास के खेत खलिहान दरिया में तब्दील हो चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे मौके से मौजूद हमारे संवाददाता प्रणव पटेल, देखिए। गुजरात में लगातार दो दिन से बारिश हो रही है, उसी वजह से गुजरात के कई ऐसे इलाके है, छोटे गाँव है, वहां पर पानी है घुस चुका है। किसान है वो परेशान हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका है वहाँ इफेक्ट हुई है। आप देख सकते हैं गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उसके जो जितने भी छोटे छोटे गांव है वहाँ पर खेतों में पानी घुस चुका है, गांवों में पानी घुस चुका है। ऐसी हालत यहाँ पर हो चुकी है, प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल्योर साबित हुआ है। तो साथ में ही जो दिख रहा है पूरे कई इलाके ऐसे है, कई ऐसी छोटी छोटी सिटियाँ है कि उसमें ये पानी है घुस चुका है, और साथ में लगातार बारिश अभी तक चल रही है। वेदर डिपार्टमेंट ने अभी भी कहा है अभी भी दो दिन लगातार ये सी बारिश हैवी रेन यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो यह खेत है, खेत में पानी घुस चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जो ऐसी स्थिति यहाँ पर सौराष्ट्र जोन है वहाँ पर देखी जा रही है। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से यहाँ का जनजीवन है वो भी प्रभावित हुआ है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। लगातार जहाँ पर न्यूज़ टीम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, लगातार जो रोड है उसके दोनों साइड आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, वहाँ पर पानी पानी है। जो खेत थे वहाँ पर भी पानी यहाँ पर दिख रहा है। पूरा जो एरिया है, जो लोलाइन एरिया है, यहाँ से कोस्टल यानी समुद्र बहुत ही नज़दीक है, लेकिन फिर भी पानी है यहाँ पर भरने से मुसीबतें ज़्यादा हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी परेशानी यहाँ पर ज़्यादातर दिखने को सामने आ रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि वेदर डिपार्टमेंट भी कहा है कि अभी दो दिन तक हैवी रेन जो पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ पर हो सकता है। तंत्र यहाँ पर अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश हो रही है लोगों में परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है।